belongs 24 to 41 to vote now. 24 to 41. Thank you. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपने देख लिया होगा कि अभी सीटिंग कॉल हो चुकी है, बोर्डिंग के लिए बुला रहे हैं ग्रुप वाइज टू अवॉइड एनी मिक्स, लेकिन लोग आप देख सकते हैं फिर भी मैं इन कर रहा हूँ कि लोग फिर भी जाने की भीड़ में हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि पहले वो चले जाएँ, हो सकता है सामान रखना हो, बट एनीवे एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि कोविड पीसीआर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स नहीं हैं, किसी भी पाकिस्तानी एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। एयरपोर्ट में बुकिंग करने के लिए, चेक इन करने के लिए आपके पास वैलिड टिकट होना चाहिए किसी भी एयरलाइन का, ठीक है। उसके अलावा जब आप चेक इन पे जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो फ़्लाइट्स हैं अगर तुर्की से हैं, कतर से हैं, दोहा से, अमीरात से या अरब कंट्रीज से हैं, तो फिर वो आपको डिमांड करेंगे कि कोविड पीसीआर की सर्टिफिकेशन चाहिए, रिजल्ट चाहिए नेगेटिव के साथ। और इसमें भी हर एयरलाइन की अपने आवर्स हैं, कुछ 96 आवर्स की मांगते हैं कि 96 आवर्स पहले हुआ हो, कुछ मांगते हैं 48 आवर्स, कुछ 24 आवर्स। हाउएवर जो पीसीआर के रिजल्ट्स हैं वो कम से कम 30 आवर्स के बाद आते हैं, कभी कभी जल्दी भी आ जाते हैं अगर क्लियर हो, लेकिन बाज़ का जो एवरेज टाइम है वो 30 आवर्स का है। सो लेकिन मेरी आपको यही सलाह होगी कि आप अपनी जर्नी शुरू करने से पहले मस्ट चेक कर लें कि आपकी फ़्लाइट इन ममालिक के थ्रू हो के तो नहीं जा रही, जो अरबिक कंट्रीज़ हैं, मिडल ईस्ट इंक्लूडिंग तुर्की, उनके लिए कोविड की पीसीआर की लैब वैल्यूज मस्ट हैं, वो भी नेगेटिव के साथ, अदरवाइज़ आपकी फ़्लाइट पे चढ़ने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और ये सवाब दीद है उन एयरलाइंस की जो ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक ही हैं, और मेरा अपना ओपिनियन ये है कि ये कोई कमीशन का चक्कर है, वरना दूसरी फ़्लाइट्स जा रही हैं, जैसे आज मैं ब्रिटिश एयरवेज पे जा रहा हूँ, तो उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की है कि आप जब बॉर्डर क्रॉस करके यूके के अंदर जाते हैं तो आपको सेल्फ क्वारंटाइन होना पड़ता है, ठीक है, क्वारंटाइन होना पड़ता है। और उस क्वारंटाइन का भी ये कंडीशन है कि अगर आपको चेक किया जाए और आप बाहर फिर रहे होंगे तब आपके ऊपर 1000 पाउंड तक ब्रिटिश पाउंड जुर्माने किया जा सकता है। और इसी तरह जर्मनी का है कि आपने 14 दिन तक सेल्फ क्वारंटाइन करना है, होपफुली वो करना चाहिए, दो हफ्ते इंसान होम ऑफिस या वो बता देता है तो घर से भी जहाँ जहाँ काम है वो कर सकता है, ठीक है। ये तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, आप अपनी ट्रैवल करने से पहले अपनी एयरलाइन चेक कर लें, और हाँ इसमें ज़रूर चेक कीजिएगा कि अगर आपकी एयरलाइन ब्रिटिश है और या कोई भी एयरलाइन है, कहीं वो कोड शेयर तो नहीं कर रहे, जो ट्रांसपोर्टर है, जो प्लेन है, वो अगर इन अरबिक कंट्रीज़ का है, मिडल ईस्ट की कंट्री में से किसी का है, तो देन यू आर इन हेल्प, क्योंकि मेरी फ़्लाइट शाम की थी, रात की 3 बजे की थी, जो इनडायरेक्ट फ़्लाइट थी दोहा से, लेकिन मेरे पास जो कोड्स आए हुए थे वो ब्रिटिश एयरवेज के थे, ठीक है। तो इस वजह से थोड़े सा कॉल्स आ गया, उनके साथ प्रॉब्लम हुआ, जो फ़्लाइट मुझे पता चली वो कल पता चली, एक दिन पहले पता चली, और उसके बाद इवन कि मैं कोविड का टेस्ट नहीं करवा सकता था उनकी मनचाही लेबॉरेटरी से, जो कि प्राइवेट हैं, जहाँ पे कमीशन का एजेंट, कमीशन का चक्कर है, ये वही चक्कर है जो इन्होंने सीख लिया हुआ है हमारे पुराने हुक्मरानों से। लेकिन इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप ये सिलसिला अभी आगे भी साल 1.5 साल चलेगा, तो वो एयरलाइन का टिकट लें जो इन ममालिक ना हो, एमिरेट्स ना हो, कतर एयरवेज ना हो, और ये वाली जो हैं जिनके जहाज़ में बैठना खामखा की एक इन्होंने मस्ट कंडीशन बनाई हुई है। अभी मैं भी बोर्डिंग के लिए जाने लगा हूँ और नेक्स्ट कॉल आएगी ग्रुप की, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी होगी, इस वीडियो से मिल गई होगी और क्लियर पता चल जाए क्या होगा कि किन किन कंडीशन में और किन किन एयरलाइंस के साथ आपका कोविड पीसीआर के रिजल्ट्स चाहिए। गाँव में याद रखिएगा, फ़्लाइट में जाने लगा हूँ,
और नेक्स्ट हो सकता है फ़्लाइट के दौरान या फ़्लाइट के बाद मुलाकात हो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ढेर सारा प्यार।